नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। 11 अक्टूबर 1942 को जब हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर पर किलकारी गूंजी होगी तो किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये बच्चा बॉलीवुड का शहंशाह बनेगा। फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपनी सिनेमाई पारी शुरू करने वाले बच्चन साहब आज भी काफी एक्टिव रहते हैं। अमिताभ ने कभी भी खुद को किसी एक सांचे में ढलने नहीं दिया और यही वजह है कि बच्चन के हर अंदाज को दर्शकों ने ढेर सारा प्यार दिया। आज के खास मौके पर हम आपको बताते हैं उनकी डेब्यू फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। साल 1969 में अमिताभ बच्चन ने फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने बॉलीवुड पारी शुरू की थी। हिंदी सिनेमा के जाने माने मेकअप आर्टिस्ट पनहरी जुकर ने बीबीसी से बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक मजेदार किस्सा बताया था। जुकर ने कहा था कि मुझे याद है अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म की शूटिंग गोवा में चल रही थी और मैं इस फिल्म के सभी कलाकारों का मेकअप कर रहा था। अमिताभ को मैंने दाढ़ी लगाई थी और अचानक मुझे किसी जरूरी काम से 7 दिन के लिए अपने घर मुंबई जाना पड़ा था। जुकर बताते हैं, तब मैंने अमिताभ को पूछा था कि तुम क्या करोगे क्योंकि मैं तो गोवा में नहीं हूँ। तब अमिताभ ने कहा था कि मैं इस मेकअप को संभाल कर रखूंगा। पूरे 6 दिन अमिताभ चेहरे के नीचे पानी डालकर नहाते थे और अपने उसी लुक के साथ उन्होंने 6 दिन बिना मुंह धोए लगातार शूटिंग की। जब मैं 6 दिन बाद उनसे मिला तो वो दाढ़ी उनके चेहरे पर सही सलामत थी। वो कैसे सोता होगा, कैसे खाना खाता होगा, यह सब सोचकर मैं बहुत हैरान हुआ था। तब मैंने उसको कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगे, तुम्हारा काम के लिए प्रेम तुम्हें एक दिन सुपरस्टार बनाएगा। वैसे ये बात तो सभी जानते हैं कि सिनेमा में अपनी किस्मत का दाव खेलने से पहले अमिताभ बच्चन कलकत्ता की बर्थ एंड को कंपनी में काम किया करते थे। सुबह से शाम दफ्तर में काम और शाम को थिएटर करते। एक्टिंग का शौक अमिताभ को लग चुका था। अपनी डेब्यू फिल्म यानी सात हिंदुस्तानी के निर्देशक के साथ अमिताभ की मुलाकात भी काफी दिलचस्प थी। निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास से जब अमिताभ पहली बार मिले तो उस मुलाकात का जिक्र किताब ब्रेड ब्यूटी रिवॉल्यूशन ख्वाजा अहमद अब्बास में किया गया है। पहली मुलाकात में अब्बास ने पूछा था आपका नाम, जिसका जवाब मिला था अमिताभ। इसके बाद अब्बास ने पूछा फिल्मों में पहले काम किया है क्या, तो अमिताभ बोले किसी ने लिया ही नहीं अब तक। फिर अब्बास ने तपाक से पूछा क्यों, क्या कमी लगी आप में, तो अमिताभ ने भी जवाब देते हुए कहा सब कहते हैं कि उनकी हीरोइनों के हिसाब से मैं लंबा हूँ। इसके बाद अब्बास बोले हमारी फिल्म में ऐसी दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें कोई हीरोइन ही नहीं है। इसी किताब में अमिताभ बच्चन की फीस का भी जिक्र है। किताब के एक लेख में अब्बास लिखते हैं, मैंने अमिताभ से मिलने के बाद कहा कि मैं 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता। अमिताभ के चेहरे पर थोड़ी मायूसी दिखी। मैंने पूछा कि क्या नौकरी में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जवाब आया हाँ। तो मैंने पूछा ऐसी नौकरी छोड़कर क्यों आए हो, जबकि अभी सिर्फ एक चांस भर है कि तुम्हारा रोल मिल सकता है। तब अमिताभ ने बहुत ही आत्मविश्वास से कहा कि इंसान को ऐसा दाव खेलना पड़ता है। बस वो आत्मविश्वास देखते ही मैंने कहा रोल तुम्हारा। तो इस तरह अमिताभ बच्चन को उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी मिलना तय हो गया था। बता दें कि 15 फरवरी 1969 को अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी साइन की थी, जो 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई थी।